अट्रैक्टिव डिज़ाइन और आसान चीज़ें हर किसी को पसंद आती है। अगर हम किसी एप्लीकेशन या फिर किसी वेबसाइट की बात करें तो हम कम समय में अच्छा रिजल्ट देने वाली वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। ये सारी की सारी डिज़ाइन जो है किसी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन की, ये बनाता कौन है? किसी पर्टिकुलर बटन का कलर कौन डिसाइड करता है? उसके होर इफेक्ट्स कौन डिसाइड करता है? मान लो इंस्टाग्राम का यूज़र इंटरफेस है, वो यूज़ करने के लिए बहुत आसान है, वो किस तरह बना है, ये सारी चीज़ें जानने की हमें क्यूरियोसिटी होती है कि ये सब चीज़ें बनती कैसे है, उसके पीछे कौन से लॉजिक्स होते हैं। तो ये सारी डिज़ाइंस बनाने के लिए काफ़ी सारे टूल्स का यूज़ होता है। अब उन्हीं में से एक टूल जिसका नाम है फिग्मा, और फिग्मा को आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। फिग्मा एक UI UX डिज़ाइन टूल है, बट सबसे पहले हम ये समझते हैं कि UI एंड UX ये दोनों चीज़ें होती क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं UI को। UI का फुल फॉर्म होता है यूज़र इंटरफेस। हम कोई ऐप या वेबसाइट खोलते हैं तो हमारे सामने जो भी स्क्रीन्स आती है लाइक साइन अप, लॉगिन, बटन्स, टेक्स्ट, कलर्स, तो इसका जो डिज़ाइन है क्या कलर होने चाहिए, कैसे लेटर्स हो, बटन्स का शेप कैसा हो, किसी पर्टिकुलर बटन या डिज़ाइन पे कर्सर लेके जाने के बाद यानी कि होवर करने पर इस तरह का बदलाव हो, तो ओवरऑल डिज़ाइन को कहते हैं यूज़र इंटरफेस। जैसे अगर कोई ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाए तो कैसी स्क्रीन आनी चाहिए, कैंसिल करने वाली बटन का कलर रेड होना चाहिए, तो UI और UX दोनों साथ साथ चलते हैं। अब हम बात करते हैं UX की। UX का फुल फॉर्म होता है यूज़र एक्सपीरियंस। वेब एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके साथ लोग इंटरैक्ट करते हैं, इसका पर्पस ये होता है कि हम डिजिटल डिवाइसेस से जो इंटरैक्ट करते हैं वो बहुत ईजी हो। बेसिकली UX हमारे स्टेप्स डिसाइड करता है। मान लो मुझे कोई फॉर्म फिलअप करना है तो कौन सी स्टेप्स फॉलो करनी चाहिए। यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो तो लोग उस ऐप को ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे इंस्टाग्राम का यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो इतना अच्छा है कि लोग उससे एडिक्टिव हो जाते हैं। इतने शॉर्ट टाइम में हमारा काम कंप्लीट होता है, उतना ईजीली लोग उस ऐप को समझ पाते हैं, उसे हम बेस्ट UX कह सकते हैं। जैसे ये एक ब्लैंक पेज है, अब पेन, पेंसिल, इरेजर, कलर्स, इन सारी चीज़ों का यूज़ करके रिजल्ट आया ऐसा। उसी प्रकार फिग्मा के अंदर भी फ्रेम्स एंड डिज़ाइन के सारे टूल्स अवेलेबल होती है। अब हम उन टूल्स का यूज़ करके अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार किसी अच्छी सी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर कोई पोस्टर्स अगर हमें बनाना हो तो वो भी कर सकते हैं। That's the short information of Figma from my side. We will explore it again in the next video. Thanks for watching.